तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 5000 थाउजेंड ईयर्स पहले चाइनीज ने बनाया था पहला कैलकुलेटर जिसका नाम था एबेकस तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने काफी सारी डिवाइजिस पढ़ी थी जैसे कि पासकेलाइन पढ़ा था नेपियस पढ़ी थी और स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंस इंजन क्या था और किसने बनाया था और एनालिटिकल इंजन क्या था और क्यों कहा जाता है चार्लस को फादर ऑफ कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने पढ़ी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन जो कि हम लोग आजकल यूज भी कर रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारे कंप्यूटर्स का फ्यूचर है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जनरेशन में एवोल्यूशन आता रहा तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट जिससे हमें यह पता चलेगा कि पिछले दो लेक्चर्स में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद है या नहीं तो स्टूडेंट्स चलिए अपने नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है पास्कलाइन 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 वाज आफ्टर डैश जी जी क्या क्या थी 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 एक डिवाइस जो के क्या करती थी, जी जो करती स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी कौन सी कैलकुलेशंस एडिशन और सब्रैक्शन और स्टूडेंट्स इसे किसने बनाया था इसे बनाया था ब्लेस पास्कल ने यानी कि इसका नाम पास क्यों है क्योंकि इसे बनाया था ब्लेस नाम रख दिया गया टॉनल पास या फिर ब्लेस पास हम लोगों ने बात की थी इसे डिवेलप किया था ब्लेस पासकल ने तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम पास रखा गया था ब्लेस पासकिल के नाम से तो स्टूडेंट्स चलिए इसे मार्क कर लें

स्टूडेंट्स तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क जी हमारे नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स तो लास्ट क्वेश्चन है डैश इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकेंड जनरेशन तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स और जिसे हम लोगों ने कहा था सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ ऑप्शन देखिए रेजिस्टर्स एमिटर्स या फिर ट्रांजिस्टर्स तो स्टूडेंट्स क्या हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन में कुछ रेजिस्टर्स और एमिटर्स को पढ़ा है नहीं स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांजिस्टर्स के बारे में और हम लोगों ने ये कहा था कि वैक्यूम ट्यूब्स को जो कि यूज होती थे फर्स्ट जनरेशन में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था किन के साथ ट्रांजिस्टर्स के साथ तो स्टूडेंट्स चलिए ट्रांजिस्टर्स को मार्क कर लें जी स्टूडेंट्स तो हमारा नॉलेज टेस्ट हो गया है कम्पलीट जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इन तीनों क्वेश्चन पर भी मार्क कर लें जी स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि क्या है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर्स की हिस्ट्री क्या थी और कंप्यूटर्स की जेनरेशन कौन कौन सी थी तो स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स के साइज उसकी मेमोरी और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बुनियाद पर हम लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया है डिफरेंट टाइप्स में तो देखिए फर्स्ट टाइप क्या है तो स्टूडेंट्स पहली टाइप है सुपर कंप्यूटर्स सुपर के नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये बड़े कंप्यूटर्स होंगे जो कि साइज में भी बिग होंगे और पावरफुल भी होंगे तो चलिए पढ़ लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या थे तो स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर थे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर हैं मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड अभी तक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सारे कंप्यूटर्स में से जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं वो हैं सुपर कंप्यूटर्स आगे देखिए विद लार्ज स्टोरेज एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड तो स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनकी लार्ज स्टोरेज स्पेसिस होती हैं और बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं ये प्रोसेसिंग में ठीक है प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है प्रोसेसिंग का मतलब होता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका रिजल्ट देना तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर यही करते हैं ना हमसे इनपुट लेते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमें उसके रिजल्ट देते हैं तो स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा तेज कंप्यूटर्स आज तक कौन से हैं वो है सुपर कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स सुपर कंप्यूटर्स को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे पहले ही पता चल जाता है ना कि आज बारिश होने वाली है न्यूज में बता देते हैं कि आज मौसम किस तरह का रहेगा तो स्टूडेंट्स वो किस तरह से होता है वो है वेदर फोरकास्टिंग ठीक है और वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स हैं सुपर कंप्यूटर्स आगे देखिए एंड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स यानी कि रॉकेट्स वगैरह को हम लोग स्पेस में जिस तरह से लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स तो उनकी लॉन्चिंग के लिए कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं उनके लिए भी यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर्स जिस स्ट्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल है क्रे वन जी स्ट्रेंड्स क्रे वन एक कंप्यूटर है जो कि किस टाइप का कंप्यूटर है एक सुपर कंप्यूटर है देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर देखिए जी ये पिक्चर जो आप लोगों को नजर आ रही है ये है क्रे वन और देखिए ये साइज में कितने बड़े हैं बड़े हैं ना जी स्टूडेंट जिस तरह से ये साइज में बड़े होते हैं उसी तरह से इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है जी स्टूडेंट्स आगे देखिए नेक्स्ट टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स के नस्बत लेस पावरफुल होते हैं देखिए जरा पढ़ लेते हैं दे आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स कौन से हैं सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है सुपर कंप्यूटर्स की नस्बत लेस पावरफुल और लेस एक्सपेंसिव है लेस एक्सपेंसिव क्यों है इसीलिए क्योंकि वो लेस पावरफुल है जितना पावरफुल कंप्यूटर होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा आगे देखिए यूज इन लार्ज इंडस्ट्रीज तो स्टूडेंट्स ये भी साइज में काफी बड़े होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं ये भी यूज होते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज में जैसे कि बैंक्स वगैरह में यूज होते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम लोग इन्हें यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल देखे इसकी एग्जाम्पल है आई वी एम थ्री नाइनटी एंड जी नाइन हंड्रेड तो स्टूडेंट्स आई वी एम थ्री नाइन्टी क्या है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और जी नाइन हंड्रेड क्या है वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए जो पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये है आई बी एम थ्री नाइनटी ठीक है जो कि है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जी स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि थर्ड टाइप कौन सी है तो चलिए जी स्टूडेंट्स थर्ड टाइप देखिए थर्ड टाइप है मिनी कंप्यूटर्स तो मिनी कंप्यूटर्स के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि मिनी यानी कि छोटा तो ये पिछले दो कंप्यूटर्स के निस्बत थोड़े छोटे होंगे तो स्टूडेंट्स जिस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कम्पूटर्स की नस्ब छोटे और लेस एक्सपेंसिव थे उसी तरह से स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर्स क्या है उन दोनों कंप्यूटर्स की टाइप्स की नस्बत लेस एक्सपेंसिव हैं और छोटे होते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं दे आर जर्नल कंप्यूटर्स ये जर्नल कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स आगे देखिए वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैन वर्क टूगेदर तो स्टूडेंट्स ये क्यों यूज होते हैं ये यूज होते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो हम यूज करते हैं मेरी कंप्यूटर्स को ठीक है आगे देखिए दे आर स्मॉलर देन तो स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं ये मेन फ्रेम की नस्बत छोटे होते हैं और मेन फ्रेम की नस्बत लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की नस्बत कम होती है आगे देखिए एग्जाम्पल्स हैं पीडीपी डी एट एंड बी तो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं पी एट और वी एक्स जरा आपने स्क्रीन पर देखिए ये कंप्यूटर जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये क्या है ये है एक पीडीपी एट कम्प्यूटर जो कि क्या है स्टूडेंट्स जो कि है एक मिनी कंप्यूटर जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इसका साइज मेन फ्रेम की छोटा है ना जी स्टूडेंट्स और उसी तरह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी मेन फ्रेम की थोड़ी कम होती है और इसीलिए ये होता है लेस एक्सपेंसिव आगे देखिए नेक्स्ट टाइप है माइक्रो कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं लीस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स अभी तक जितनी भी टाइप्स हम लोगों ने कंप्यूटर्स की पढ़ी हैं उनमें से ये होते हैं सबसे ज्यादा चीप कंप्यूटर्स आगे देखिए दे आर स्मॉलर इन साइज ये होते हैं इन सब कंप्यूटर्स के निस्बत छोटे कौन कौन से कंप्यूटर्स की निस्बत सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स की नस्बत ये होते हैं काफी छोटे आगे देखिए स्टूडेंट्स दे आर एज पर्सनल कंप्यूटर्स तो स्टूडेंट्स इनको हम लोग यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पे ठीक है सुपर कंप्यूटर कभी भी पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और वो क्यों यूज होते हैं वो होते हैं यूज वेदर फोरकास्टिंग के लिए तो क्या एक कंप्यूटर जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है वो आप लोगों के पर्सनल यूज के लिए यूज हो सकता है नहीं स्टूडेंट्स इसी तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी क्योंकि वो लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं इसीलिए हम वो भी पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करते और स्टूडेंट्स मिनी कंप्यूटर्स क्योंकि हम लोगों ने कहा था एक से ज्यादा कंप्यूटर्स इकट्ठे काम करते हैं इसीलिए वो भी पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल होते तो स्टूडेंट्स पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स ठीक है हमारे घरों में हमारी कंप्यूटर लैब्स में हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स वो कौन से होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स ठीक है जी आगे देखिए यूज पर्सनल कंप्यूटर्स एट होम एंड ऑफिस तो यही बात तो हमने अभी की है कि घरों में और ऑफिस में जो पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स आगे देखिए दे आर नॉन एज पी सी यानी के पर्सनल कंप्यूटर्स ठीक है माइक्रो कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और डिजिटल कंप्यूटर यानी के डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर तो स्टूडेंट्स इनके तीन नाम है पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर जी स्टूडेंट्स तो अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देखिए जी इस पिक्चर में जो कंप्यूटर आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये है माइक्रो कंप्यूटर जी और ये कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में और आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर लैब्स में भी इसे देखा होगा देखा है ना सब इस्तेमाल भी किया होगा तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें कुछ डिवाइस होती हैं और प्रोसेसर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीपी तो यूजली माइक्रो कंप्यूटर्स बेस करते हैं प्रोसेसर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसिस पे जी स्टूडेंट तो चलिए नेक्स्ट टाइप्स देखें जी स्ट्रेंड्स तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है लैपटॉप आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जिस तरह से हम लोग टाइप्स पढ़ते आ रहे हैं वन वन बाय हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो साइजेस में स्मॉलर होते जा रहे हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि साइज में सबसे बड़े होते हैं और उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं मिनी कंप्यूटर्स और उनसे भी छोटे कंप्यूटर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए वो क्या थे माइक्रो कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स तो लैपटॉप ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर के निस्पत भी छोटे होते हैं और इन्हें लैपटॉप क्यों कहते हैं क्योंकि यूजर इसे आसानी से अपनी लैब में फिट कर सकता है यानी कि आप लोग इसे अपनी गोद में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स तो चलिए देखते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज यही बात तो हमने की है कि ये अभी तक हम लोगों ने जितनी टाइप्स पढ़ी है उनके निस्पत Smaller होते हैं। They provide mobile computing technology. तो स्टूडेंट्स मतलब है? आप लोग इस device को किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं। students, आप लोग अपने पीसी को किसी भी जगह लेकर नहीं जा सकते क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है लेकिन स्टूडेंट्स हमारे लैपटॉप को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को एक बैटरी की सूरत में ठीक है लैपटॉप्स में होती है बैटरीज जो के अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लेती हैं और फिर उसे यूज करते रहते हैं इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोग अपने लैपटॉप्स को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और किसी भी टाइम पर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं आगे देखिए दे आर बैटरी ऑपरेटेड एंड कैन बी यूज एनी वेयर एनी टाइम जी स्टूडेंट्स यही बात हम लोगों ने अभी की है कि लैपटॉप्स में क्या होती है बैटरी होती है जिसको कि आप लोग एक बार चार्ज कर लेते हैं और फिर वो कुछ टाइम तक बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है ठीक है तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए जी स्टूडेंट्स ये है एक लैपटॉप ठीक है लैपटॉप में स्क्रीन और कीबोर्ड बोर्ड एडजस्टेंट होते हैं ठीक है और इसमें हमें माउस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि इसमें यूज होता है एक पैड जो कि काम करता है एक माउस की तरह थी तो आगे देखिए लास्ट टाइप कौन सी है तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टाइप है हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैंड के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ऐसे कंप्यूटर जो कि हम लोग हाथ में पकड़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन से होंगे वो होंगे हैंड कंप्यूटर्स या फिर इनका एक और नाम भी है वो क्या है पॉकेट कंप्यूटर्स जी स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं कि पॉकेट कंप्यूटर्स यानी कि हैंड कंप्यूटर्स क्या होते हैं स्मॉलर स्मॉलर देन लैपटॉप्स अगेन स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर्स लैपटॉप निस्बत भी smaller होते हैं और दे यूज इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड इनमें इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन तो स्टूडेंट्स इनमें होती है टच सेंसिटिव स्क्रीन जो कि हमें अलाउ करती है कि हम कीबोर्ड और माउस के बगैर इस पर काम कर सकें ठीक है तो स्टूडेंट्स ऐसे कंप्यूटर जो के इतने छोटे होते हैं कि आप लोग उन्हें हाथ में पकड़ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें होता है यूजली टच सेंसिटिव डिस्प्ले जो के आप लोगों को अलाउ करता है कि आप आप एक ही स्क्रीन पर स्क्रीन पर पर इनपुट भी दें और उसी लोगों को आउटपुट भी मिले जी स्टूडेंट्स आप लोगों ने टैबलेट्स यूज किए हैं ना जी तो टैबलेट्स क्या है टैबलेट्स है, हैं, हैं कंप्यूटर्स और आजकल जो स्मार्टफोन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स स्मार्टफोन्स भी हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स की एक टाइप तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए जी आप लोगों की स्क्रीन पर जो आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये है एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर जी स्टूडेंट्स तो आज का लेक्चर इतना ही था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट की एक्सरसाइज तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ <laughs>